गाइस आई जस्ट होप कि बारिश स्टार्ट हो जाए, क्योंकि आज हम लोग जा रहे हैं वांद्री लेक। वांद्री लेक हम लोग पहले भी जा चुके हैं, मतलब 2 साल पहले चैनल जब स्टार्ट किया था तब फर्स्ट व्लॉग वांद्री लेक से किया था। एंड वो टाइम पे व्लॉगिंग इतनी सीरियसली ली नहीं थी, मतलब मस्ती मस्ती में था, तो वो प्लेस उतने अच्छे से एक्सप्लोर करने नहीं मिले। तो हमने सोचा कि क्यों ना और एक बार इस प्लेस को विजिट किया जाए, एकदम डिटेल में वीडियो बनाया जाए। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मॉनसून के व्लॉग्स। एंड पिछले कुछ दिनों से थोड़ा बिजी था, एग्जाम थे, उसकी वजह से व्लॉग्स इनकंसिस्टेंट थे, बट अभी I'll be consistent for sure. So on that note, hello and welcome back to the channel, everyone. It's me, Ashparab, back again with the video. So आज मेरे साथ travel करने वाला है Swapnil and Yash और उसकी friend हमें आगे मिलेंगे विरार फाटा से। So वांद्री लेक यहाँ से 35 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, 45 मिनट से 1 आवर लग सकते हैं। So अभी चलते हैं and mostly wear helmet for safety. So चलो now we are good to go. Okay, I guess मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा crowd होगा, क्योंकि आज हम लोग Wednesday पे आए हैं। यूजुअली सैटरडे संडे पे बहुत ज़्यादा क्राउड होता है, मतलब बहुत एक्सट्रीम वाला। एंड अभी अगर आपको घूमना है तो मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वीकडेज में जाना। अगर आपको शूट वगैरह करना हो, सैटरडे संडे पे बहुत सारा क्राउड होता है, तो आपको इतना कन्वीनियंट नहीं होता। एंड ऐसे वेदर में राइड करना मुझे बहुत पसंद है। लाइक अभी थोड़ी बारिश कम हो गई है, मतलब बंदी हो गई है, बट हल्की हल्की बिजली हो रही है और ठंडा लग रहा है। सो वी आर एंजॉयिंग। तो गाइस जैसे आप विलेज के अंदर आ जाओगे, सीधा सीधा रोड है, सीधा सीधा रोड से आना, उधर के लेफ्ट मत लेना। इधर आपको एक बोर्ड मिल जाएगा, कैडेट्स टेक लेफ्ट, ये अभी रिसेंटली इन्होंने बोर्ड लगाया है। सो ये वाला लेफ्ट लेना, आगे भी एक रोड जाता है बट आगे वो वांद्री लेक की तरफ जाता है। और ये डैम है, लेक मतलब मैं आपको बाद में दिखाता हूँ, उधर भी हम जाएंगे बट पहले हम लोग डैम देखेंगे। एंड स्वप्निल यहाँ पे एक कोमड़ी के साथ खेल रहा है। कच्चा रास्ता है ये, थोड़ा थोड़ा संभाल के ऐसे सब रोड पे अगर आपको गाड़ी चलाना है तो आपकी गाड़ी का सस्पेंशन बहुत ही अच्छी कंडीशन में चाहिए, वरना लग सकता है। अरे बाप रे, वेडनेसडे होके भी आज बहुत सारी गाड़ियाँ लग रही, देखते हैं कैसा क्या है। तो हम बात करने वाले इधर, चलो आज तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि आज क्राउड कम रहेगा, वीकडेज पे भी इतना क्राउड आने लग गया तो वीकेंड पे सोच लो। यहाँ पे आप गाड़ी पार्क करते हो एंड यहाँ से सब घूम कर आप वहाँ पे भी गाड़ी पार्क कर सकते हो। वहाँ पे एक लोकल शॉप है, अभी अभी रिसेंटली खुला है, पहले वैसे नहीं था। यही अगर आप जून स्टार्टिंग में आते हो तो इतना पानी नहीं मिलेगा, बट जैसे जैसे मिड मानसून स्टार्ट होता है वैसे वैसे यहाँ पे पानी बढ़ जाता है। ऑसम प्लेस है गाइस, ऑसम। मैं जब भी आया था तभी इतना वाटर फ्लो नहीं था। आई गेस हम लोग उधर जाके बैठे थे वो वाले पॉइंट पे, बट अभी वहाँ पे बंद किया है, मिले वाटर फ्लो बढ़ गया है। लोग इधर भी बैठे थे, इधर मैं जब आया था, इधर बैठ सकते हो या फिर उधर बैठ सकते हो, बट अभी आई गेस अलाउड नहीं है क्योंकि वाटर फ्लो बहुत ज़्यादा है। एंड कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, लेकिन मैं भीगने नहीं वाला हूँ। थोड़ा दुख भी हो रहा है मेरे को, मम्मी को मैं बोल के आया था यश के घर पे जा रहा हूँ। तो हम लोग जब यहाँ आ रहे थे तो एक अंकल हमें मिले, उन्होंने बताया कि यहाँ पे थोड़े दिन पहले शायद कोई डूब के मर गया था। मेरे को लगता है कि वीकेंड्स पे लोग आते हैं इन्जॉय करने, थोड़ा वो ठीक है, कुछ ज़्यादा लिमिट में रह के करना चाहिए। जो भी कर रहे हो आप, नहा रहे हो या एनी, कभी कभी क्या होता है वाटर फ्लो का हमें अंदाजा नहीं होता एंड उसकी वजह से कुछ भी हो सकता है अभी। और ये डैम का पानी है तो ये काफ़ी फोर्स से नीचे गिरता है, तो पास तो जाना ही मत पहले। तो ये दिखता है स्लाइड जैसा, पर स्लाइड करने की कोशिश मत करना। और आगे हम देखते हैं आगे मतलब कैसा है और डैम कैसा है। चले हम चलते हैं आगे। तो यहाँ से आपको एक आइडिया आ गई होगी कि वांद्री लेक मानसून में कैसे लगता है, मिड मानसून में। ऑल यू कैन सी इज ग्रीनरी हियर एंड वाटर फ्लो बहुत ऑसम है, बहुत ज़्यादा ऑसम है। बाकी किसी के लिए मत आओ, इसके लिए तो आना पड़ेगा। बहुत प्लेजेंट व्यू है यहाँ पे। वाटरफॉल तो हमने भी बहुत विजिट कर रहे हैं और आपके लिए बहुत वाटरफॉल कवर कर रहे हैं और भी करेंगे, पर ये जो व्यू है ये हमें आज तक कभी नहीं मिला। तो गाइस जैसे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया व्यू है यहाँ पे, और ऑफकोर्स अगर आपको आना है तो आप ये व्यू देखने आ सकते हो। और ये यहाँ पे सिनेमेटिक्स और बाकी कंटेंट शूट करते हैं, पर यहाँ पे आके एक चीज़ का ध्यान रखना कि कचरा मत करना। यहाँ पे अभी हम आए तो यहाँ पे ये पूरा विजिबल कचरा जो यहाँ पे दिख रहा है,
तो अभी ऐसा सोच रहे हैं कि ये जो कचरा है ये उठाएंगे हम, मतलब बेसिकली हमको एक मैसेज स्प्रेड करना है कि अगर आप ऐसे फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आप चिल करने आते हो तो कचरा मत करना। बेसिकली क्या करते हो कि ये यहाँ की प्लेस की जो ब्यूटी आप खराब कर देते हो कचरा, और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हाईलाइट होती है, तो हम लोग एक मैसेज स्प्रेड करना चाहते हैं। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कचरा है, मतलब बाहर भी हमने देखा बहुत सारे बॉटल वगैरह ऐसे फेंके गए थे, तो हम हो सके उतना साफ करने की कोशिश कर रहे हमने जो भी विजिबल कचरा था यहाँ पे वो तो हमने हटा दिया। तो थोड़ा ध्यान रखें, अभी जैसे कोई आएगा तो यहाँ पे देखेगा, डस्टबिन तो है नहीं वैसे, पर ऐसे देखेगा कि एक साइड पे है तो शायद कोई उठा भी ले जो गार्बेज वगैरह वाले हो। तो बस इतना ध्यान रखिए कि कहीं पे भी मत डालिए, एक जगह पे स्टोर करिए जहाँ पे सब लोग अपने बैग्स कैरी करते हो, तो बैग्स में आप रख सकते हो एंड देन अपने घर पे आके डंप कर सकते हो। यहाँ पे डंप करने की कोई ज़रूरत नहीं है वैसे। सो गाइस, निकलते वक्त मैंने बोला था कि होपफुली थोड़ी सी बारिश हो जाए, और वही हुआ। जब हम लोग हाईवे पे पहुंच गए हल्की हल्की ड्रिजलिंग स्टार्ट हुई एंड वेदर है बहुत ब्यूटीफुल हो गया है। 2 साल पहले मैं यहाँ पे आया था, अगर आपने मेरा पहला व्लॉग नहीं देखा होगा तो इधर आई बटन में लिंक मिल जाएगा, वो देख लो। वो टाइम पे वाटर फ्लो इतना नहीं था एंड ग्रीनरी भी इतनी नहीं थी, बट अभी कैसा हुआ, मतलब पिछले 1-2 हफ्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हुई थी एंड उसके वजह से वाटर फ्लो बढ़ गया एंड ग्रीनरी भी बहुत ज़्यादा है। सो यहाँ पे आप अभी इंजॉय कर सकते हो, अभी इट इज़ अ राइट टाइम टू विजिट दिस प्लेस। अगस्त में आगे तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बट जून स्टार्ट में मत जाना। दिस इज़ एन आइडियल वन डे पिकनिक स्पॉट, आप अपने फ्रेंड्स के साथ आ सकते हो, आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हो, चिल कर सकते हो। बस एक चीज़ ध्यान में रखना, कचरा मत करना। यहाँ पे रिसेंटली बहुत ज़्यादा कचरा होता है क्योंकि यहाँ पे विजिटर्स बढ़ गए, हमने थोड़ा कचरा साइड में निकाल के रख दिया है। सो गाइज, यहाँ से आप व्यू देख सकते हो, ये हम लोग अभी फिलहाल तो वांद्रे लेक के टॉप पे है एंड यहाँ से वांद्रे लेक बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। अभी सनसेट का टाइम हो गया है, सो आप देख सकते हो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है चीज़, एंड अभी थोड़ा क्राउड भी आ गया है। यू कैन क्लियरली सी हाउ ब्यूटीफुल दिस डैम इज। गाइज, अनफॉर्चुनेटली यश और मानसी को जल्दी जाना है घर पे, सो हम लोग निकल रहे हैं अभी। तो गाइज, थोड़ा काम आ गया है तो हमको निकलना पड़ेगा, बट एकदम समराइज करूँ तो बहुत बढ़िया जगह है, आप आओ फैमिली के साथ चिल वगैरह करो, बहुत रिलैक्सिंग है, साउंड वगैरह बहुत बढ़िया। एंड मानसी, आज आपका फर्स्ट टाइम था हमारे साथ ट्रैवल करके, कैसा लगा आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरे को बहुत मजा आया। अनफॉर्चुनेटली मुझे भीगने नहीं मिला, पर तुम लोग को भीगते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइज, सी यू सून। सो चलो गाइज, डन विद द डैम, अभी हम लोग जा रहे हैं लेक पर। स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला था कि एक रूट आगे जाता है, सब लोग अभी इधर ही जा रहे हैं, उधर एक स्पॉट है चिल करने के लिए, उसे एक्चुअल में मेन मार्केट लेक कहा जाता है, ये तो डैम है, अभी हम लोग उधर जाएंगे। यश हमें ज्वाइन नहीं करने वाला, यश निकल गया, उसको कुछ काम आया अर्जेंटली, एंड भीग के गाइस ऑसम लगा, मतलब मज़ा दुगना हो गया हमारा। स्टार्टिंग में हम लोग नहीं भीगने वाले थे ऐसे सोचा था, बट कंट्रोल नहीं हुआ, इतने दूर से है एक तो, और पानी भी इतना अमेजिंग था, मतलब बहुत ठंडा। बट आज फ्लो कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, अंदर ज़्यादा गए नहीं, थोड़ा थोड़ा इन्जॉय कर लिया, हम बाहर आ गए, तभी चलते हैं। सो गाइज, नाउ वी आर एट द सेकेंड पॉइंट विच इज एक्चुअल कॉल्ड एज वांद्रे लेक। यहाँ पे बोर्ड देख सकते हो, ये मार्क कर लो, ये छोटा शेड, ये भी छोटा शेड, एंड यहाँ पे 2-3 गर्ल्स है। तो अभी हम लोग ये एक्सप्लोर करने आए हैं, इधर थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। गाड़ी नीचे जा सकती है, बट टेक इट ऑन योर ओन रिस्क, मतलब एज सच तो ये लोकेशन ज़्यादा किसी को पता नहीं है। पिछली बार, मतलब फर्स्ट टाइम जब मैं आया था तब मैं घूम गया था, और तब भी हमने ये डिस्कवर किया। सो यस, वी आर एट दिस पॉइंट। लेकिन ये असली लेक है, लाइक वांद्रे लेक जो जिसको बोलते हैं लोग कि वांद्रे लेक जा रहे, तो ये असली लेक है, वो डैम था, वहाँ पे भी वहाँ पे आपको भीगना है तो वहाँ पे जा सकते हो, लेकिन यहाँ पे आराम से आके आप बैठ सकते हो। ये जगह किसी को ज्यादा पता नहीं है, प्लीजेंट जगह है गाइस। अभी हम लोग बैठे हैं पानी में पैर डाल के, आपने वहाँ पे क्राउड देखा होगा, उस कंपैरिजन में यहाँ पे क्राउड देखो, कुछ नहीं, कोई नहीं, बस शांति शांत है जगह, ये एकदम अनएक्सप्लोर्ड है, काइंड ऑफ लाइक कोई आता नहीं है यहाँ पे, सब लोग वहाँ पे ही मजा कर, मतलब कुछ लोगों को पता है एंड ज्यादा किसी को पता नहीं क्योंकि थोड़ा सा नीचे है, बट ये स्पॉट भी ऑसम है। यहाँ पे सिंपली आप आओ, शांति से बैठ जाओ, बस वो सामने पेड़ भी बहुत अच्छा दिख रहा है। सो गाइस, ये सेकंड लोकेशन भी हमने एक्सप्लोर कर दी एंड ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट
ये जर्नी का जो परफेक्ट एंडिंग जिसे बोलते हैं, ये हमारी परफेक्ट एंडिंग थी। हम लोग यहाँ पे 10 से 15 मिनट बैठे थे एंड 10 से 15 मिनट हमने कुछ बात नहीं किया ना कुछ रिकॉर्ड किया, बस हम इंजॉय कर रहे थे। यहाँ की जो साइलेंस था वो हम फील कर रहे थे, बहुत ही अच्छी प्लेस थी एंड अभी हम लोग निकल रहे जल्दी से। जैसे कि आयुष ने कहा कि एक परफेक्ट एंडिंग, मतलब मैं लिटरली बोलूंगा कि एक परफेक्ट एंड था, मतलब ये पूरे जिसको समराइज करना पड़े तो ये एक उसके लिए परफेक्ट एंडिंग था, क्योंकि यहाँ पे मतलब आप देखोगे बहुत ही ज्यादा पीस है, वहाँ पे बहुत सारे आवाज है, लोगों का आवाज हो गया, पानी का आवाज हो गया, या आई मीन आजू बाजू के सराउंडिंग्स, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, यहाँ पे आप आराम से आओ, शांति से बैठो, पानी में पैर डाल के बैठो जैसे कि हम बैठे थे, आपको दिखेगा लिटरली बहुत ज्यादा मजा आया यहाँ पे कंपेयर टू वहाँ पे। मेरे को ये बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि पीसफुली आप बैठ रहे हो, बर्ड्स का आवाज आ रहा है या सराउंडिंग, पानी का भी आवाज नहीं आ रहा, बर्ड्स का थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का आवाज आ रहा है आपको, और आप नेचर को फुल्ली इंजॉय कर रहे हो यहाँ पे, तो मतलब वहां से कंपेयर करें तो मेरे को तो यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। एंड स्वप्निल ने इस जगह को एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब किया, मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसा सो आपको मतलब बोलोगे कि इतना कुछ नहीं है, बट आप फील करो इस जगह को। एंड गाइस बस दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप यू ऑल एंजॉयड, एंड इफ यू डू सो डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड डू सब्सक्राइब दिस चैनल। ऑल्सो वन थिंग, अगर यहाँ पे विजिट करो तो कचरा मत करना, नोट दैट, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अभी देखो लाइट बहुत डीम हो गई है एंड क्लाउड्स इतने डार्क हो गए तो मुझे लग रहा है कि बारिश हो सकती है, सो जल्दी जल्दी जाना है यहाँ से। अभी फिर से 30 किलोमीटर का हमें डिस्टेंस कंप्लीट करने का है, सो प्रोबेबली आधा से एक घंटा लग सकता है। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।